इधर वृद्धावस्था आश्रम ज्यादा बन रहे हैं, हर कम बन रहे हैं, वृद्धावस्था आश्रम ज्यादा बन रहे हैं। प्रसंग उन्होंने पूरे कर लिए हैं, सत्तरवे में वो प्रवेश कर रहे हैं और अभी भी वही जज्बा उनके अंदर, वही सेवा। मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव के 66वें जन्मदिन पर आयोजित हुआ कोरोना वॉरियर्स पत्रकार सम्मान कार्यक्रम, 54 सामाजिक संगठनों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि समाज के लिए जीने वालों का जन्मदिन परिवार नहीं समाज मनाता है। इसके भीतर वृद्धावस्था आश्रम ज्यादा बन रहे हैं, हर कम बन रहे हैं, वृद्धावस्था आश्रम ज्यादा बन रहे हैं। और जब उस आश्रम में गया मैं, वो तो ठीक था, उनका लड़का मर गया। मैं जब वहां पहुंचा, उसमें जो 3-4 लोग और थे, उनके लड़के में पद का नाम नहीं लूंगा, और बड़े सरकारी नौकरी में थे, उनके बाप और उनकी माता वृद्धावस्था आश्रम। ये क्या हो रहा है इस देश के भीतर, ये क्या हो रहा है इस देश के भीतर? ये देश राम की संस्कृति का है, ये देश कृष्ण की संस्कृति का है, ये देश उन तमाम सारे लोगों का है जो कंधे में माता पिता को लाद कर अपनी परवाह न करके गंगा स्नान के लिए ले जाने वाले देश की संस्कृति है। उस संस्कृति को बचाने की आवश्यकता यह केवल पत्रकार कर सकता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम सबको मिलकर के इस दिशा में काम करने की जरूरत है, हमें काम करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक है, मैं कई बार बहुत चिंतित रहता हूं, खासतौर पर रीमा के लिए, इसलिए मैं इस बात का प्रयास करता हूं कि मुझे अवसर मिला है, हमारी रीवा की पहचान, हमारे रीवा के संस्कार, हमारी रीवा की परंपरा, वो भी देश दुनिया जाने, हमारी जो सीमा है उस सीमा में उसे ले जाने का प्रयास करता हूं, कम से कम वहां तक उसको पहुंचा सकूं, वहां तक उसको ले जा सकूं, इस बात का निरंतर प्रयास करता हूं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं और खासतौर पत्रकार मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी लेखनी के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं। यदि आपकी लेखनी से आजादी के पहले इस देश को आजादी प्राप्त कर सकते हैं, तो आपकी लेखनी में उस शब्दों का जाल होना चाहिए जिससे हमारी इस संस्कार के भीतर हमारे इस हमारे समाज में पैदा होने वाली विकृति को हम दूर कर सके और संस्कृत का प्रादुर्भाव कर सके, ये करने की आवश्यकता हमारे पत्रकार मित्रों। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और भाई सुभाष श्रीवास्तव को इस बात की शुभकामना सताए फिर नहीं कहूंगा, सताए होने का कोई अर्थ नहीं है, हमारी अल्पाय हो, हम जल्दी जाए इस संसार से, दूसरे के लिए जगह खाली करें और जितने दिन रहें ठीक ठाक रहें, समाज में ऐसा लगे लोगों की कि हम समाज के लिए हैं, समाज के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इस बात की शुभकामना देते हुए मैं एक बार सबको पुनः धन्यवाद करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद आयोजन समिति के सदस्यों एवं मंचासीन अतिथियों द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव को साल श्रीफल एवं सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात कोरोना त्रासदी के भीषण एवं भयावह दौर में सतत अपनी सेवाएं देने वाले, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले, अपने जान जोखिम में डालते वे अस्पताल से लेकर थाने तक और गलियों से लेकर चौराहों तक की ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने वाले 66 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने कहा कि सर्व सामाजिक संगठन ने ये आयोजन करके पत्रकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का जो कार्य किया है वो सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। प्रसंग उन्होंने पूरे कर लिए हैं, सत्तरवे में वो प्रवेश कर रहे हैं और अभी भी वही जज्बा उनके अंदर, वही सेवा कभी कभी देखने को मिल जाती है, जैसे वो खुद नहीं कहते फिर उसकी ओर उसकी चिंता भी नहीं करते, मैं भी खुद होती उनके साथ में गुजर रहा हूँ, तो साथ ही नहीं करते हैं कि कोई दूसरा है, मैं मंत्री तत्व के मैं उसका था, जो
उनके ईमानदारी और उनके चरित्र की मजबूती का मानता था, नहीं तो बचपन से गुजरते तो सभी छुटाते। लेकिन सुभाष जी का मन ये भी ठीक नहीं है, किसी वजह से नाराज है तो फिर गुजरता है चाहे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री, चिंता करने वाले व्यक्ति नहीं। और इसलिए उस समय मेरा मन इनके प्रति और श्रद्धा से बदला था। क्या बात, क्या बात, उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती, मैं तुझे कुछ और क्या। और इसी के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया। कहीं यदि अन्याय हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं पर आवाज विरुद्ध करने वाले नहीं है और उनको किसी नेता की आवश्यकता है, बात करता हूँ बड़े पार्टी के और कहीं कहीं अच्छे वक्ता हैं, तो जब बोलते हैं प्रशासन के काम में जो व्यक्ति है फिर वो लोग भी कहते हैं भाई देखो पता नहीं क्या मामला क्या है। तो इस प्रकार से पूरी जीवन की यात्रा रही है, संघर्ष में रहे लेकिन झुके नहीं, टिके नहीं, सच्चाई के लिए लड़ते रहे। इसलिए अद्भुत व्यक्तित्व है। और इसलिए सही कहा है कि हमारे जिंदगी की एक अलग पहचान देगी, उनको सहेज के रखना हम लोग की जिम्मेदारी है। इसलिए उनका जन्मदिन यदि उनके बच्चे बनाए तो पता नहीं चलेगा। मैं पिछली बार भी कहा था सुभाष को ऐसे व्यक्ति है कि इनका जन्मदिन के बच्चे परिवार बनाए ठीक नहीं है, इनका तो समाज को ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाना। इसलिए मुझे बताया कि कारण ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं छाछठ कोरोना वॉरियर्स पत्रकारों को सम्मानित किया जाना इस बात का प्रतीक है कि निस्वार्थ भाव से परोपकार करने वाले लोगों के कार्यों का मूल्यांकन समाज अवश्य करता है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।